गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर है आंसर की है वो डिस्प्ले किया जा चुका है यूजीसी नेट की साइट पे। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि किसकी किसकी क्वेश्चन पेपर आंसर की आई है, कौन से सब्जेक्ट की आई है, कौन से फेस की आई है। तो यहाँ पर यह पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। फ्रेंड्स, यहाँ पे कल रात को नोटिफिकेशन आई थी आपका जो फेस वन, फेस टू, फेस थ्री उनकी जो आंसर की है, जो प्रोविजनल आंसर की है। देखिए, फाइनल आंसर की जब आप अपना ऑब्जेक्शन करेंगे, मान लीजिए किसी को किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होता है, उसके बाद में जब अपडेटेड आंसर की आएगी उसे कहते हैं फाइनल आंसर की। तो इसका जो टाइम दिया गया है आपको चैलेंज करने का, 18 से 20 तारीख तक का टाइम दिया गया है। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखिए, 20 तारीख को अगर 6 बजे आप ट्राई करोगे ऑब्जेक्शन करने की तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 बजे तक ही कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि जो क्वेश्चन, मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन को अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको 200 रुपीज़, पहले क्या होता था 1000 रुपीज़ आपको पे करने होते थे, बट अभी क्या है 200। इसमें क्या चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया और वो क्वेश्चन जो है अगर सही निकला, मान लीजिए जिस चीज़ पे आपने ऑब्जेक्शन किया वो चीज़ आपकी सही है, तो ये जो आपकी फ़ीस है ये आपको रिफंड हो जाएगी 100%। ये फीस आपको रिफंड हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने गलत जो है उस पर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो ये फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। एक बार अगर आप फीस पेमेंट कर देंगे तो ये फीस नॉन रिफंडेबल हो जाएगी। ठीक है, 18 से 20 तारीख तक का टाइम दिया गया है, 5 बजे तक का। अगर आपको किसी क्वेश्चन पेपर में लग रहा है क्वेश्चन गलत है तो उसको, आंसर को चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आगे आते हैं और देखते हैं जो फेस फोर है, 8 तारीख से फेस फोर स्टार्ट हुआ, तो 8 अक्टूबर की बाद की आंसर की अभी नहीं आई है, बहुत जल्दी अपडेटेड की जाएगी। अभी यहाँ पर किस किस की आंसर की आई है, 9 जुलाई वालों की जो आंसर की है वो आ गई है। यानी अगर आपका आर्कियोलॉजी, चाइनीज़, क्रिमिनोलॉजी, डोगरी, फोक लिटरेचर, फ्रेंच, जर्मन, इंडियन कल्चर, जैपनीज, यानी आपका 9 जुलाई को अगर आपका एग्ज़ाम था तो उसकी आंसर की आ गई है। 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई वाले जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदू स्टडीज़, सिंधी, ये तो आपको पता ही है कि कौन से डेट में आपने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद जो 12 जुलाई का एग्ज़ाम था, 12 जुलाई वालों की भी आ गई है। 12 जुलाई के बाद 20 सितंबर जो फेस टू है, जो 20 सितंबर जुलाई वालों का फेस वन था, सितंबर वालों का फेस टू था, फेस टू का 20 सितंबर की भी आंसर की आ गई है, 21 सितंबर की आ गई है, 22 सितंबर की आ गई है, देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट। उसके अलावा 23 सितंबर वालों की भी आ गई है। उसके बाद अगर हम बात करें फेस थ्री आपका 29 सितंबर से हुआ, 29 सितंबर से आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक साइंस का एग्ज़ाम पढ़ा, कॉमर्स का पढ़ा, विजुअल आर्ट का पढ़ा, उनका यहाँ पर आंसर किया है। रिशेड्यूल सब्जेक्ट ऑफ डे वन फॉर कैंडिडेट इम्पैक्ट ड्यू टू टेक्निकल इशूज़, यानी जिसमें आपका टेक्निकल इशू आए थे उनका भी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें फोक लिटरेचर, 29 सितंबर को जिनका पोस्टपोन हुआ था, जैसे आगे बढ़ाया गया था, 29 सितंबर वालों का भी आ गया है। ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज, सोशल मेडिसिन, संस्कृत ट्रेडिशनल, 30 सितंबर वालों का भी आ गया है। हिंदी, इन्वायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट, कन्नड़, मलयालम 1 अक्टूबर का भी आ गया है। कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, सोशल वर्क, तेलुगु, सोशोलॉजी, इन सब की भी आंसर की आ गई है। ठीक है, 1 अक्टूबर तक की यहाँ पर आप देख सकते हो, लास्ट यहाँ पर 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर तक की जिनके भी एग्ज़ाम हुए हैं फेस थ्री तक के उनकी आ गई है। 8 अक्टूबर से जिनके एग्ज़ाम हैं उनकी अभी बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में अपडेट कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है यूजीसी नेट के साइट पे, प्रॉपर बताया हुआ है कि क्या करना है। एप्लीकेशन नंबर, DOB आपको डाल करके अपना लॉगिन करना है। क्वेश्चन पेपर दिया होगा नीचे, उसके आंसर की दी होगी, और उसमें क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर की को मैच कराना है, पहली बात तो ये है, और मैच कराने के बाद में आपको लगता है कि नहीं भाई ये आंसर गलत दिया है NTA ने, तो उस क्वेश्चन पे वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, सेव योर क्लेम्स। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको डाउट है वो वाले ऑप्शन पे टिक करके, ऑप्शंस दिए होंगे उस क्वेश्चन ऑप्शन पे टिक करके आपको अपना क्लेम सेव कर देना है। पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज़ पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्शन करना ही है, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए देन आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
उसके अलावा डायरेक्टली यूजीसी नेट की साइट पर जब जाएंगे तो कुछ लोगों का ये ऑप्शन आ रहा है कि मैम जो है वहाँ पर दूसरे पेज की तरफ वो ले जा रहे हैं, जैसे ही हम लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो करें कि नहीं करें। यस, डेफिनेटली करिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो वहाँ पर ही आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। क्वेश्चन पेपर के नीचे आंसर की लिंक भी दिखाई देगी। क्वेश्चन पेपर और आंसर की को मैच कराना होगा। जहाँ पर कोड में आपके आंसर दिए होंगे, कोड में आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही है। बाकी ये भी बहुत जल्दी मैं बता दूंगी कि कैसे मैच कराना है। तब तक के लिए वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।